हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी टू कुक रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैंगन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे पीनट्स को मिक्सी में क्रश करके इसके पाउडर बना लेंगे। ये 4 चम्मच जितने लिए हैं, इसे एक बाउल में ले लेंगे। इसमें 4 चम्मच जितने बेसन का लोट रोस्ट किया हुआ लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हींग पिंच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो शुगर या गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हो, जिससे इसका टेस्ट स्वीट आएगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने इसे छोटे वाले ब्रिंचल यानी कि बैंगन लिए हैं और इसको ऐसे हम काट लेंगे। ऐसे कट करके इसके अंदर हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। इसी तरह से सारे ब्रिंचल पहले हम काट लेंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। इसी तरह से सारे बैंगन को स्टफ कर लेना है। अब हमने आलू लिए हैं। आलू छोटे हो तो उसको भी ऐसे काट कर स्टफ कर सकते हैं। अगर बड़े वाले आलू हो तो इसके आप ऐसे स्लाइस कर के जो एक्स्ट्रा बचा हुआ स्टफिंग है उसमें ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे बैंगन और आलू है वो स्टफ हो गए हैं। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर 4 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें अंदर हींग, राई, जीरा, करी पत्ता डाल देना है। अब इसके अंदर हमने स्टफ किए हुए बैंगन और आलू है उसे भी डाल देने हैं और 1 मिनट के लिए तेल में अच्छे से पकने देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, लहसुन और चटनी, रेड चिली पाउडर है उसका पेस्ट बनाया है, इससे अच्छा बहुत ही टेस्ट आता है, वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच इतनी शुगर डालेंगे। अब चाहे तो उसको उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। और ये सारी सब्जियां हैं ये डूब जाए इतना उसके अंदर पानी डालना है और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ढक्कन लगाकर 6 सीटियां करेंगे। अब देखेंगे, यस, हमारी सब्जी है वो बहुत ही अच्छे से पक गई है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो हमारी बैंगन की सब्जी भरवा बैंगन स्टफ ब्रिंजल एकदम तैयार है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।